हाय आकाश, काय झालं? मस्त काय झालं? तुम्ही मुंह धोला? आयो अपना बैठा इधर। ये लड़की बड़ी टैलेंटेड है। क्या? मुफ्त का खाना खाने के लिए मराठी सीख ली इसने। कप्पू गप्पा बस, थप्पा बस, चल फालतू में। महेश सर, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा। पाजी, क्या कमाल की फिल्म बनाई है सर ने। अच्छा महेश सर, आपको पता है ये लाइन हर किसी को बोलती है ये। हालांकि आपने सच्ची में अच्छी फिल्म बनाई है, पर उस थोड़े दिन पहले बाबा रामदेव आए थे, उनके कहती है अरे आपने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा पतंजलि का, क्या कमाल की फिल्म बनाई है आपने, जिसमें आप सेल्समैन बने थे। कहती है आपने आमला, च्यवनप्राश इन सबको कास्ट क्यों किया? क्यों ऐसे करती है? तुम रहने दो कपू, तुमसे बात ही करना बेकार है। तो ऐसे अचानक से वैसे मराठी कैसे बन गई? हाँ तो अचानक से ही बनूंगी, दो साल पहले से बन के बैठ जाऊंगी क्या मैं? कुछ भी बोलते कपू, तुम ना डिस्टर्ब मत करो, इतने बड़े लोग आए, थोड़ी बातें तो करने दो। सर बिल्कुल बात मत करना, बाद में बोलेगी मैंने आपका टाइम पास कराया, लाओ मेरी बख्शीश, ये ऐसा। कपू तुम चुप रहो। देखो ईशा मैम, आप पहली बार हमारे शो पे आई है तो मेरे साथ एक कप कॉफी तो बनती है ना। अभी आपको बोलेगी आपके साथ कॉफी बनती है, उनके साथ लंच बनता है, डिनर बनता है, क्योंकि इनके घर में तो कुछ बनता नहीं है, ऐसे ही एंजॉय कर जाती है। देखो तुम ना मुझे मत बनाओ, समझ में आया? आकाश आप इतने कमाल के एक्टर हो कि आपकी फिल्म सैराट मैंने 50 बार देखी। थैंक यू। नहीं इतनी बार तो मैंने भी नहीं देखी फिल्म, 50 बार कोई तो डायलॉग होना चाहिए। 50 बार देखी फिल्म। नहीं मैं बताता हूँ इसने कौन सा, इसने टिकट खर्च करके तो देखी नहीं। इंटरवल में जो समोसे बेचने आता ना, इसका बॉयफ्रेंड है वो, उस हिसाब से देख लेती है थोड़ा थोड़ा। वैसे बेबी तुम आज समोसे बेचने गए नहीं? ये फालतू की बातें करने में और कुछ नहीं आता तुम्हें? यार आकाश को देखो, इतनी कम उम्र में कितना रोमांटिक है, कुछ तो सीखो उससे। उनकी हीरोइन भी देखो ना, इधर देखो, इधर ईशा कॉपी कर, इधर उधर टाइम खोटी कर। एक बात बोलूं वैसे? बोलो। एक जगह से बड़ी अच्छी लगती है। सच? कहाँ से? बहुत दूर से। देखो तुम्हारी बातों में मैं भूल ही गई, मैं पता है सबके लिए कुछ बना कर लाई हूँ, वो भी अपने हाथों से, वो एक मिनट। हाँ ये रहा। क्या बना के लाई? तुम्हारे चक्कर में ना मैं भूल जाती हूँ, ये देखो मैं खास बना कर लाई हूँ अपने हाथों से। दिखा इधर। अरे वो ये दाल तो गुरुद्वारे में बनी हुई थी। तुम्हें कैसे पता? माथा टेकने गया था उधर मैं। अच्छा। लंगर लाना पाजी इनके बाएं हाथ का खेल है। मैं बताता हूँ, इनका 13 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, ये एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, कहाँ पे लंगर लगा है, कहाँ पे शादी हो रही है, किनका खाना बच गया है। आपको पता है किसी लड़के के हाथ में कोल्ड ड्रिंक दिख जाए ना, इसको झट से दोस्त रॉल निकाल लेते, विल यू बी माई फ्रेंड। चलो ये महेश सर, जब एक सुंदर लड़की होती है तो लड़की उसको देख के जनरली प्लान्स बनाते हैं। ये आदमी से बातें बनाता है, वो बातें खत्म ही नहीं होती। अरे मैं एक बात तुम्हें बतानी भूल गया, कल ये ना जा रही थी सड़क पे, एक बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा था, इसने देखा बस की खिड़की में से कूद गई, बच्चा रोई जाए रोई जाए, कहती नो रूल इज रूल। पूरा खा के उसको डंडी बेचारे को वापस दी, वो भी चबा के थी, बीच में भी फंसा रहता कभी, ऐसे काम क्यों करती है सरला। अच्छा वो तो बताओ तुम्हारी फेवरेट, वो मेरे पत्ते खेलने वाली बात वो भी बता दो। अच्छा यहाँ पे तो ऐसे बंठन के आती ना, जैसे बाहर निकलती ना, बाहर सारे ऑटो वाले उनके साथ ऐसे बैठ के पत्ते खेलती, चला ना चल रहा। पाजी आप देख लो, मतलब जो भी हो इसका ध्यान मेरे पे आजकल बहुत ज्यादा है, कुछ तो चल रहा है इसके मन में, तुम बता दो बस, अब क्लियर कर दो। वैसे सर आज ये मराठी कॉस्ट्यूम में आई है, बाहर कहीं घूमने जाते ना पंजाबी कुर्ते सिलवा रखे हैं इसने। मैंने कहा ये क्यों पहनती है, कहती इसमें चावल ज्यादा आ जाते। अच्छा बता तो सही आज आई क्यों है? वैसे ईशा मैम मुझे ना लावनी बहुत पसंद है, एंड हमें पता चला है कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, तो अगर आप हमें सिखा दे लावनी तो। क्या बात है यार, ठोको ताड़ी लावनी वाले। हाँ उनको आता है। देखा मैंने पहले कहा था ये है लावनी, जो तू करी थी वो लहसुन नहीं था। यार तुम छोड़ो यार, तुम रहने दो। वैसे आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अरे खाना तो देखे जाए। नहीं इसमें था भी नहीं, ऐसे बोल रही थी खाली। तुम ना तुम यहाँ पे आपके बहुत सारे फैंस हैं, जो भी आप बात करना चाहते हैं फटाफट अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, वन बाय वन सर। या सर अच्छा आप वही जो ऑडिशन देना चाहते हैं, और भी मेरे कोई दोस्त हैं जो ऐसे। अच्छा 1 2 3 आप सब ऑडिशन देना चाहते हैं सर, ये आपको आप डायरेक्टर हैं तो ये आपको ऑडिशन देना चाहते हैं, मौके का फायदा उठाना चाहते हैं बेसिकली। आइए आइए आइए, आ जाओ आ जाओ।
माइक ले आइए सर। तो वन बाय वन सर, आप आपका क्या नाम है? अनुपम। अनुपम, अनुपम जी कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से ही हूँ। अच्छा जी, तो आप ऑडिशन देने जाते हैं? जी हाँ। कौन सा डायलॉग बोल के? मैं सर के वास्तव मूवी से एक डायलॉग बोलना चाहूंगा। क्या बात है। So I'm getting a little nervous. So. No, no, no problem. Enjoy, यार। अक्का मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं जो Sorry, I'll just take that again. इधर आजाओ, आजाओ अनुपम, बैठो आप। तो आपसे शुरू कर लेते हैं। आप पहले इनका ऑडिशन देख लो। अगर इन्होंने खराब किया तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। जी सर, आपका क्या नाम है? मुदस्सर। मुदस्सर जी कहाँ से आए आप? मैं रहने वाला तो हापुड़ गाजियाबाद का हूँ। तो सोने वाले कहाँ? यहाँ का। जी तो क्या बोल के सुनाना चाहते हैं? मैं सर की फिल्म का एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ जी, वास्तव से ही है वो भी। अच्छा जी, क्या देखती है? ये देख, 50 तोला माँ, 50 तोला। और कुछ देखी? ये देख, इसको बोलते हैं घोड़ा। क्या? घोड़ा। और इसको बोलते हैं टिगर। क्या? टिगर। इसको उंगली को टिगर पे रखने का और तान देने का, जिसके सर पे तान देने का है। टिगर दबाया, खेल खल्ला। एक सेकंड रुको जरा। पुलिस स्टेशन संजू बाबा, आपका कोई डायलॉग खराब कर रहा है? बट सो स्वीट, थैंक यू मदस्सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आइए अनुपम, अब आपकी बारी है। श्योर, बैठ के एंजॉय। चलो, कोई रोमांटिक डायलॉग है कि 50 तोले वाला ही सुनाना है? नहीं नहीं, 50 तोले वाला नहीं है, रोमांटिक डायलॉग सुनाना यार। अनुपम, मुझे आपसे रोमांटिक डायलॉग सुनना है, पता नहीं क्यों। आप बोलिए कि तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी आंखों की मस्त नमकीन। आपको बीपी का प्रॉब्लम है, नमकीन नहीं आपको मुझसे निकलता। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरे हुस्न की बेपरवाहियां, तेरी हुस्न की बेपरवाहियां, मुझे काम में जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच अनुपम, थैंक थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आइए, अब है हमारे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट। हाँ हाँ, बेटू खड़ा रहो। हाँ जी, डर लग रहा है बेटू? अरे नहीं नहीं, बैठो आप। डर लग रहा है? इनका डर लगता है, वाह कुछ भी बोलते हैं। आदमी की सब खिचड़ी बन जाती है यहाँ पर आने के बाद। ये तेरे ऊपर भारी पड़ेगा गुरु। इनमें टांगे डाली हुई कि नहीं? अच्छा है। तुम्हारी वास्तविक फिल्म मुझे बहुत पसंद है, संजू बाबा का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। ये अक्की मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो अपन को नजर उड़ा के बात कर सके। पकड़ने की बात छोड़, कोई अपन को टच भी नहीं कर सकता, समझा? अक्के मुंबई पे राज करता हूँ, तू क्या समझेगी? छोड़ना माँ, ये देख 50 तोला है, 50 तोला। ध्यान से छाती ना तोड़ देना कहीं। यार क्या दिख रही माँ? 50 तोला है, 50 तोला। माँ नीचे लेटी हुई है, सामने देख के बोलो ना। अच्छा एक बार फिर से। ये अक्की मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है जो अपन को नजर उठा के बात कर सके। पकड़ने की बात छोड़, अपने को कोई टच भी नहीं कर सकता। अक्के मुंबई पर राज करता हूँ, तू क्या समझेगी? छोड़ना माँ, ये घूर घूर की क्या दिख रही माँ? 50 तोला है, 50 तोला। और एक चीज देखेगी, इसको बोलते हैं घोड़ा, दो खोखे का है, इसमें बुलेट डाला, किटिन दबाया, आदमी पे लगाया, आदमी खलास। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्चुअली बहुत अच्छा था। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट न्यू कपिल शर्मा एंड अदर फन शो वीडियो अपडेट्स